A very good morning to all of you welcome to the computer class i am your computer teacher sukriti and students today we will be continuing our sixth chapter that is adobe animate introduction okay so students till now we have discussed about how can we work in adobe animate and what are the different drawing tools that are presented in adobe animate so today we are going to start with a new topic that is how to set up a new animate stage Okay so when you first open a new document in Animate it is good idea to set up your stage size फॉर्मेटरेट बैकग्राउंड कलर एंड एक्शन स्क्रिप्ट वर्जन फर्स्ट सो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने क्लास में यह डिस्कस किया था कि स्टेज क्या होता है फॉर्मेटरेट क्या होता है बैकग्राउंड कलर क्या होता है और एक्शन स्क्रिप्ट वर्जन क्या होता है ठीक है तो जब भी हम एडोब एनिमेट के अंदर कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट पर काम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ यह होती है कि पहले से ही हम अपने स्टेज साइज को सेट कर लें फॉर्मेट रेट को सेट कर लें उसके अंदर जो भी बैकग्राउंड कलर हम देना चाहते हैं हम वो पहले से ही सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा जो भी एक्शन स्क्रिप्ट का वर्जन है उसको भी हम पहले ही सेट कर लें तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है ओके स्टेज इज़ द ऑन स्क्रीन एरिया वे यू कैन व्यू द कॉन्टेंट्स ऑफ अ फ्रेम एंड ड्रॉ ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स सो लास्ट टाइम ऑल्सो आई टॉक्ड अबाउट कि स्टेज क्या होती है तो so स्टेज जैसे कि हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से एडोब एनिमेट के अंदर भी स्टेज एक ऑन स्क्रीन एरिया है जहाँ पर आप अपने फ्रेम के कॉन्टेंट्स को देख सकते हो और साथ ही साथ ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हो ठीक है सो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक आता है कि कैसे हम अपने एक्शन स्क्रिप्ट वर्जन को चेंज कर सकते हैं और फ्लैश प्लेयर वर्जन को चेंज कर सकते हैं ठीक है सो हेयर आई एम गोइंग टू रीड इट एंड यू कैन सी हेयर आपके पास एक डायग्राम है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक्शन स्क्रिप्ट वर्जन को चेंज कर सकते हैं और फ्लैश प्लेयर वर्जन को भी चेंज कर सकते हैं ठीक है सो स्टूडेंट्स हेयर यू कैन सी पब्लिश पैनल ऑफ़ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन द प्रॉपर्टीजैब हमें सबको पता है कि विंडो के अंदर जो हमारी एडोब विंडो है उसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज टैब होता है सो so, प्रॉपर्टीजैब में हेयर यू कैन सी हमारे पास एक पब्लिश पैनल है ठीक है सो पब्लिश पैनल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है पब्लिश सेटिंग्स का सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन द पब्लिश सेटिंग्स ठीक है जैसे ही हम पब्लिश सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पब्लिश सेटिंग्स का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाती है ठीक है तो जैसे ही ये ओपन होती है इसके बाद हमारे पास दो मेन्यू होते हैं एक होता है हमारे पास टारगेट मेन्यू और दूसरा होता है हमारे पास स्क्रिप्ट मेन्यू जो आप टू सेकेंड और थर्ड पॉइंटर से बहुत इजीली देख सकते हो ठीक है तो जो हमारे पास टारगेट मेन्यू है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लेयर अपनी एनिमेशन के लिए चाहिए ठीक है तो वहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा प्लेयर हमें चाहिए आफ्टर दैट हम स्क्रिप्ट को चूज़ कर सकते हैं कि हमें अपने एडोब एनिमेट के लिए कौन सी स्क्रिप्ट का वर्जन सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हमने एक्शन स्क्रिप्ट थ्री पॉइंट को सेलेक्ट किया है तो इस तरीके से हमने टारगेट और स्क्रिप्ट के दोनों के वर्जन को हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स हम क्या करेंगे हम सिंपली ओके okay पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो भी पब्लिश सेटिंग्स थी वो हमारे एनिमेट डॉक्यूमेंट के लिए स्टोर हो चुकी हैं ठीक है सो so, इस तरीके से हम अपने एक्शन स्क्रिप्ट वर्जन को और फ्लैश प्लेयर वर्जन को चेंज कर सकते हैं ठीक है सो आफ्टर दिस वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज चेंजिंग जे पी ई जी इमेज क्वालिटी ठीक है कि किस तरीके से हम जे पी इमेज क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं सो नाउ अगेन अब आप यहाँ पर भी देखो कि जो एक पब्लिश पैनल है आपको नज़र आ सक आ रहा है प्रॉपर्टी टैब के अंदर ठीक है सो नाउ अब आप क्या करोगे पब्लिश सेटिंग्स पर क्लिक करोगे ठीक है सो उसी तरीके से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा पब्लिश सेटिंग्स का नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक मेन्यू आता है जे क्वालिटी का ठीक है तो अब हम जे पी जी क्वालिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अगर हमें जे पी जी की इंक्रीज़ करनी है क्वालिटी तो हम उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर हमें उसको डिक्रीज़ करना है तो हम उसे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं ठीक है सो यहाँ पर स्लाइडर आपको प्रोवाइड होता है जिससे आप चेंज कर सकते हो अपनी अपनी जे पी क्वालिटी को ठीक है सो इस तरीके से आप क्या करोगे वहाँ पर जो भी आपको जे पी की क्वालिटी चाहिए उसको सेट कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन ओके जैसे हम ओके okay पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो भी पब्लिश सेटिंग्स हैं वो हमारे एनिमेट डॉक्यूमेंट के लिए स्टोर हो जाती है ठीक है सो विद दिस हमने जे क्वालिटी को भी सेट कर लिया है ठीक है नाउ द टर्न इज़ फॉर चेंजिंग द फ्रेम रेट ठीक है तो कि कैसे हम अपने फ्रेम रेट को चेंज करेंगे अब हम वो देख लेते हैं सो स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी कि जो हमारा पब्लिश पैनल था उसके नीचे हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल होता है सो यू कैन सी हेयर जो हमारे पास वन पॉइंटर है वहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हुआ हुआ है वहाँ पर हमारे पास सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन आती है वो आती है एफ की ठीक है दैट इज़ फ्रेम्स पर सेकेंड ठीक है तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आप एफ़ पी एस पर जा कर के वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो कि आपको अपना एफ पी एस कितना सेलेक्ट करना है तो आप वहाँ पर सेलेक्ट करोगे एंड यू कैन टाइप द न्यू फ्रेम रेट तो यहाँ पर ऑलरेडी थर्टी एफ पी एस मैंशनड है तो आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हो सो so, इस तरीके से आप अपने फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हो अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए ठीक है सो ओके सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेंजिंग द स्टेज साइज कि कैसे हम अपने स्टेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं ठीक है सो नाउ अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज का पैनल है प्रॉपर्टीज पैनल में हमारे पास नीचे एडवांस सेटिंग्स हैं ठीक है तो जैसे ही हम एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं हमारे पास एक डॉक्यूमेंट सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है ठीक है अब इस डॉक्यूमेंट सेटिंग्स के डायलॉग बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि सबसे पहले हमारे पास फ़ील्ड है यूनिट्स की तो यूनिट्स का मतलब कि हमारी जो भी मेजरिंग यूनिट है वो आप कौन सी सेलेक्ट करना चाहते हो ठीक है तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल के लिए पिक्सल्स कि वन है सो तो हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं तो उस उन सब यूनिट्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी यूनिट में अपने एडोबेनिमेट को रखना है ठीक है आफ्टर दिस यू हैव स्टेज साइज अब स्टेज साइज क्या है कि आपको अपना जो स्टेज है उसका साइज़ क्या रखना है मतलब उसकी विर्थ कितनी रखनी है उसकी हाइट कितनी रखनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और, और आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो तो आपने अगर अपनी हाइट चेंज करनी है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो टाइप कर सकते हो न्यू हाइट को और इसी तरीके से आप अपनी विर्थ को भी चेंज कर सकते हो बाय टाइपिंग इन द वथ बॉक्स ठीक है एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स नाउ यू विल क्लिक ऑन ओके सो आपका जो एनिमेट मूवी है उसकी जो भी डिजायर डायमेंशंस आप जो चाहते थे डायमेंशंस वो अब आपके लिए सेट हो चुकी हैं ठीक है सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर कि कैसे हम अपना एडोब एनिमेट का जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं ठीक है सो नाउ हेयर यू कैन सी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल होता है उसके अंदर हमारे पास एक स्टेज के नेम से एक फील्ड होती है ठीक है तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो वन पॉइंटर से आपको स्टेज की जो फील्ड है वो मेंशन हो रही है अब वहाँ पर क्या है हम हम वहाँ पर स्टेज का जो वाइट बॉक्स आपको शो हो रहा है वहाँ पर हम क्या करेंगे क्लिक कर देंगे जैसे ही हम उस पर्टिकुलर वाइट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे कलर्स का एक पैनल आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव गॉट सो मैनी कलर्स हेयर ठीक है अब आपको जो भी डिज़ायर्ड कलर आप अपने बैकग्राउंड के लिए चूज करना चाहते हो ठीक है तो आप यहाँ पर वो चूज़ कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हमने चूज़ किया कलर पर्पल या फिर येलो, या फिर जो भी वॉट कलर यू वॉन्ट टू चूज़ है यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द कलर्स फ्रॉम हेयर ठीक है सो so, अब आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया है वो अब आपका बैकग्राउंड कलर बन गया है सो योर बैकग्राउंड कलर चेंजेस टू द कलर यू सेलेक्टेड ठीक है सो so, इस तरीके से हम अपना बैकग्राउंड कलर बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का ओके नाउ सो अब हमारे पास अब हमने ये देख लिया कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने एनिमेट डॉक्यूमेंट के अंदर अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपनी एनिमेट मूवी को टेस्ट कर सकते हैं ओके नाउ, यू कैन टेस्ट योर एनिमेट मूवीज़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट तो जब भी हम अपनी एनिमेट की मूवी बना रहे होते हैं एडोब एनिमेट के अंदर जब भी हम अपनी मूवी बना रहे होते हैं तब तो हम उस मूवी को किसी भी टाइम पर चाहे अभी अभी भी हम उसको डिज़ाइन कर रहे हों अभी भी हम उसको डेवलप कर रहे हों तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी एनिमेटेड मूवी को टेस्ट कर सकते हैं You can preview your animation in the development phase to check whether everything is going right or not। तो so, हम क्या कर सकते हैं हम अपनी animation को जो भी हमने animated movie create कर रही है या फिर कर रही हैं उसको हम देख सकते हैं मतलब कि वो किस तरीके से appear होगी वो हम चीज़ view कर सकते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हमने अभी तक develop किया है या बनाया है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है ठीक है सो अब हम किस तरीके से इस अपनी एनिमेट मूवी को टेस्ट करेंगे तो उसके लिए हम होती है हमारे पास टेस्ट कमांड सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट यूजिंग टेस्ट कमांड तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे मेन्यू बार के अंदर हमारे पास कंट्रोल होता है वहाँ पर हम टेस्ट का ऑप्शन होता है हमारे पास वहाँ पर हम जाके टेस्ट पर क्लिक करेंगे ठीक है और हम इसका इसको हम कंट्रोल प्लस एंटर कीज के थ्रू भी कर सकते हैं और इस तरीके से जो आपकी एनिमेटेड मूवी होगी वो एक टेस्ट विंडो के अंदर प्ले हो जाएगी वेयर यू कैन सी द एनिमेटेड मूवी एंड यू कैन टेस्ट द एनिमेटेड मूवी ओके नाउ अब हमारे पास आता है कि कैसे हम अपनी पब्लिश प्रिव्यू को टेस्ट कर सकते हैं ठीक है टेस्ट विथ पब्लिश प्रिव्यू अब क्या करते हैं हम हमारे पास मेन्यू बार है उसमें हमारे पास कंट्रोल का ऑप्शन होता है तो हम कंट्रोल पर क्लिक करते हैं आफ्टर दैट हमारे पास ऑप्शन होता है टेस्ट मूवी का उसके बाद हम टेस्ट मूवी पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में अपनी मूवी को टेस्ट करना है सो फ्रॉम देयर वी कैन सेलेक्ट द सेलेक्टेड फॉर्मेट कि जो भी हमें फॉर्मेट में हमने अपनी मूवी को सेलेक्ट करना है वो हम वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद हमारी जो एनिमेटेड मूवी है वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्ले हो जाएगी ठीक है सो इन दिस मैनर वी कैन टेस्ट आर मूवी ठीक है ओके नाउ सो नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेविंग द एनिमेट फाइल तो अब सपोज़ कीजिए कि आपने अपना एक एनिमेट डॉक्यूमेंट बना लिया है या फिर अभी भी वो प्रोग्रेस में है तो हम अपनी एनिमेट फाइल को किस तरीके से सेव कर सकते हैं तो वो हम अब देखते हैं एज़ यू क्रिएट मूवीज़ इन एनिमेट यू नीड टू सेव दैम इन ऑर्डर टू सी दैम अगेन तो हमारा पर्पस क्या होता है किसी भी फाइल को सेव करने का पर्पस यही होता है कि उस मूवी को हम दोबारा से या फिर उस फाइल को हम दोबारा से देख सकें इसीलिए हम एक पर्टिकुलर फाइल को सेव करते हैं ओके okay. The default extension for an animate file is .fla. So last time सो लास्ट टाइम भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारी एनीमेटेड फाइल होती है वो जो हमारे पास एडोब एनिमेट की फ़ाइल होती है उस वो पर्टिकुलर फाइल डॉट एफ एल ए एक्सटेंशन से सेव होती है एनिमेट डज नॉट सेव योर वर्क पीरियोडिकली सो इट इज़ एसेंशियल टू सेव अर्ली एंड ऑफन एवरी टाइम यू मेक अ सिग्निफिकेंट चेंज तो animate में क्या होता है आपका जो वर्क है वो साइड बाय साइड क्या होता है सेव नहीं होता इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी एनिमेटेड फ़ाइल को पहले और बार बार बीच बीच में जब भी आप कुछ उसमें चेंजेस करते हैं उसको सेव करते रहें ताकि आपने जो भी चेंजेस उसमें करे हैं वो ऐसा ना हो कि वो चेंज चेंजेस ना हो ठीक है सो अब हम क्या करते हैं अपनी एनिमेट के अंदर फाइल को सेव करने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं जैसे ही फाइल मेन्यू अपीयर होता है हम क्या ऑप्शन लेते हैं सेव का ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं या फिर आपके पास एक और ऑप्शन होती है आप कंट्रोल प्लस एस कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो और अपनी फाइल को सेव कर सकते हो अब क्या करना है आपने अब आपको अगर अपनी फाइल को बिल्कुल न्यू तरीके से सेव करना है तो आप क्या करते हो सेव एज का ऑप्शन uh, क्लिक करते हैं देन वहाँ पर सेवेज डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाता है वहाँ से आप ये चूज़ कर सकते हो कि आपको अपनी फाइल को किस जगह पर स्टोर करना है या किस जगह पर सेव करना है ठीक है सो यू हैव हेयर अब आपको थ्री पॉइंट से नज़र आ रहा है अब आप जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन में डेस्टिनेशन में अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो वो आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हो ओके आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं हमारे पास फाइल नेम का एक फील्ड होता है जहाँ पर हमें अपनी फाइल का जो भी नेम रखना है जो भी नेम आपको टाइप करना है आप उस फाइल नेम फील्ड के अंदर टाइप कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट करके उन्होंने फाइल नेम को सेव किया हुआ है ठीक है एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू अब आप क्या करोगे अपने सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे और इस तरीके से जो आपकी फ़ाइल है वो सेव हो जाएगी और इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर फाइल को फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो ठीक है सो नाउ अब आता है हमारे पास कि किस तरीके से हम अपनी एनिमेट फाइल को ओपन कर सकते हैं ठीक है सो यू कैन री ओपन अ सेफ फाइल टू वर्क ऑन इट ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं अपनी जो भी हमने सेव फाइल है उसको हम दोबारा से री ओपन कर सकते हैं सो फॉर दैट हम क्या करते हैं हम सबसे पहले फाइल मेन्यू के ऊपर जाते हैं अब हमारे पास फाइल मेन्यू का फेयर मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाता है उसके बाद क्या होता है हम ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं ठीक है अब ओपन पर जैसे हम क्लिक करते हैं या फिर हम कंट्रोल प्लस ओ को भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हमारे सामने जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाए ठीक है अब आप क्या करोगे अब आप कोई जो भी फोल्डर जिसके अंदर आपने अपनी फाइल के को सेव किया हुआ था उसको ढूंढोगे उसको सर्च करोगे नाउ क्लिक ऑन एनीमेट फाइल अब आपके पास क्या होगा अब आपके पास एक एनीमेट फ़ाइल का फोल्डर होगा वो आप क्या करोगे उसको क्लिक करोगे या फिर जो भी फाइल आपको ओपन करनी है आप उसको क्या करोगे सर्च करोगे अब अगर सपोज करो आपको वही फ़ाइल्स वो कुछ पर्टिकुलर फाइल्स अपनी एन, एडोब एनिमेट में ओपन करनी है सो नाउ यू यू विल डू हमारे पास अब यहाँ तो पर आप ग्रीन पॉइंटर देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर फाइल्स आपको ओपन करनी है एडोब एनिमेट में तो वही पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स आपकी ओपन होगी एडोब एनिमेट के अंदर ठीक है सो इस तरीके से ना जो आपने पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट किया है और जो पर्टिकुलर फॉर्मेट को आपने सेलेक्ट किया है उसके बाद आप क्या करोगे ओपन पर क्लिक कर दोगे इस तरीके से वो पर्टिकुलर फाइल आपकी जो है एनिमेट के अंदर ओपन हो जाएगी ठीक है सो इन दिस मैनर यू कैन ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल ओके okay, नाउ अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज़ अबाउट क्लोजिंग द एनीमेट फाइल कि अगर आपकी कोई एनीमेट फाइल ओपन है अगर आपको उस पर्टिकुलर एनीमेट फाइल को क्लोज करना है तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं सो क्लिक ऑन फाइल मेन्यू उसके बाद आपके पास फाइल मेन्यू अपीयर हो जाएगा आफ्टर दिस यू विल क्लिक ऑन क्लोज़ या फिर आप क्लोज का एक और हमारे पास ऑप्शन होता है क्लोज़ की बजाय अगर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करें तो हमारे क्या हो सकता है हमारी वो पर्टिकुलर फाइल क्या होती है वो क्लोज हो जाती है ठीक है सो नाउ अब क्या होता है जनरली कि हम अपनी फाइल को हमने क्या किया क्लोज पर गए और हमने क्लोज कर दिया अब सपोज करो कि हमने अपने वर्क को सेव नहीं किया हुआ तो क्या होता है एडोब एनिमेट आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर करता है ठीक है जो आपसे पूछता है कि आपको अपने वर्क को सेव करना है कि नहीं करना तो अगर सपोज करो आप भूल जाते हो आप क्लोज करने के बाद आप से पहले आप भूल गए कि आपको अपने वर्क को सेव भी करना था सो फ्रॉम देयर यू कैन क्लिक ऑन सेव ठीक है और इस तरीके से आपकी पर्टिकुलर फाइल सेव हो जाएगी उसके बाद वो क्लोज हो जाएगी सो so यहाँ पर यही लिखा हुआ है इफ यू फॉगेट टू सेव योर फाइल बिफोर क्लोजिंग एनिमेट प्रॉम्प्ट्स यू विद अ डायलॉग बॉक्स टू सेव योर वर्क कि अगर आप अपना जो काम है वो सेव करना भूल जाते हैं क्लोजिंग करने से पहले तो एनिमेट जो है वो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स को अपीयर करा देता है जिस जो ये पूछता है कि आप अपने वर्क को सेव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो ठीक है स्टूडेंट्स सो विद दिस योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट ओके सो आई वुड एडवाइज़ यू टू प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो एंड ऑल्सो रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच